नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है रिस्टार्ट एजुकेटर 9 to 12 यहाँ पर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और वीडियो को शेयर करना। आज का हमारा क्वेश्चन है विद्युत चैप्टर में से न्यूमेरिकल है हमारा 19, ठीक है। आइए देखते हैं हमारे क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, दो विद्युत प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर उनका तुल्य प्रतिरोध 2500 ओम आता है। कितना आता है? 2500 ओम आता है। इनको समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध 4 ओम आता है, जहां श्रेणी क्रम में जोड़ने पर 2500 ओम आ रहा था, अब समांतर क्रम जोड़ने पर 4 ओम आता है, ठीक है। प्रत्येक विद्युत प्रतिरोध का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। जो हमारे दो प्रतिरोध हैं उनका हमें प्रतिरोध ज्ञात करना है, ठीक है। आइए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्या कहा आंसर? दो विद्युत प्रतिरोध, कितने? दो। माना दो प्रतिरोध R1 व R2, समांतर क्रम में जोड़ने पर कितना आता है? 4 ओम, और श्रेणी क्रम में जोड़ने पर 2500 ओम आता है, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट, श्रेणी क्रम से R1 प्लस R2 इजिकल टू 2500 ओम, ठीक है। इसमें से हम R2 निकाल लेंगे, 2500 ओम प्लस, ये तो माइनस का हो जाएगा हमारा, ठीक है, माइनस R1 यहां डाल देंगे हम समीकरण नंबर 1 से। अब क्या है? समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध 4 ओम आता है, समांतर क्रम से 1/R1/R2 इजिकल टू 1/4, ठीक है। अब हम करेंगे क्या? अब हम इस R1 का और R2 का लेंगे LCM, ठीक है। R1 प्लस R2, R2 प्लस R1 इजिकल टू 1/4, 1/4, और इस ब्रैकेट के हम मल्टीप्लाई, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक। 4R2 प्लस 4R1 इजिकल टू R1 प्लस R2। R2 का मान हमारा कितना निकल का आया था? 25 माइनस R1, ठीक है। हम R2 का मान लगा देंगे इस इक्वेशन में, 4। R2 का मान क्या है? 25 माइनस R1, 25 माइनस R1। किसी को कोई कंफ्यूजन यहाँ? यहाँ हमने R2 का मान लगाया, ठीक है, इस R2 का 25 माइनस R1, ठीक है, प्लस 4R1। ये जो बचा हमारा 4R1 ये लिया हमने, इजिकल टू R1 R2 का मान लेंगे हम क्या? 25 माइनस R1, 25 माइनस R1। किससे आया ये मान? समीकरण नंबर 1 से, हम साइड में लिख देंगे इस जगह, समीकरण नंबर 1 से। इस 4 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट के अंदर, कितना हो जाएगा? 100 माइनस 4R1 प्लस 4R1, ठीक है, इजिकल टू R1 की इस ब्रैकेट के अंदर कितना हो जाएगा? 25R1 माइनस R1 का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस प्लस कट जाएंगे आपस में, इस सबको हम इजिकल टू से पहले ले आएंगे, R1 का होल क्यू प्लस, ये तो माइनस का हो जाएगा हमारा चिन्ह, 25R1 प्लस 100 इजिकल टू 0। और 25 को मैं ऐसे तोड़ना, जो गुणा करने पे हमारा 100 आए और प्लस माइनस करने पे 25 आए, 20 प्लस 5 कितना होता है? 25, 20 मल्टीप्लाई 5 कितना होता है? 20 पंजे 100, R1 का होल स्क्वायर माइनस 20 प्लस 5 R1 प्लस 100 इजिकल टू 0, R1 का होल स्क्वायर माइनस 20 R1, इस माइनस से हम प्लस माइनस का हो जाएगा, 5 R1 प्लस 100 इजिकल टू 0। R1 ले लेंगे हम कॉमन, कितना बचा? R1 माइनस 20 माइनस 5 कॉमन लेंगे, R1 इस माइनस से प्लस माइनस का हो जाएगा, माइनस
कितनी बार आएगा ये 20 बार, ठीक है, इजिकल टू 0, दोनों संख्या हमारी सेम है, हमारा आंसर राइट है फिर, आर वन 20, ठीक है, आर वन माइनस 5 इजिकल टू 0, इसे हम दो पार्ट में कन्वर्ट कर लेंगे, आर वन माइनस 20 इजिकल टू 0, आर वन माइनस 5 इजिकल टू 0, आर वन इजिकल टू 20 प्लस का हो जाएगा, ठीक है, आर वन इजिकल टू 5 यही प्लस का हो जाएगा। अब क्या करेंगे हम, इन दोनों वैल्यू में से कोई सा भी एक, आर वन या 5, आर वन या 20 हमको रखना है समीकरण नंबर 1 में, ठीक है, आर वन इजिकल टू 20 समीकरण नंबर 1 में रखने पर, 1 में रखने पर समीकरण नंबर 1 क्या हमारी, आर टू इजिकल टू 20, 5 माइनस आर वन का मान कितना आया हमारे पास 20, आर टू का मान कितना आया 5, अतः हमारे आर टू का मान आया है 5 और आर वन का मान आया है 20, ठीक है। हमसे पूछा गया था दो विद्युत प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर उनका तुल्य प्रतिरोध 25 ओम आता है, ठीक, इनको समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध 4 ओम आता है, प्रत्येक विद्युत प्रतिरोध का प्रतिरोध याद कीजिए, प्रत्येक विद्युत प्रतिरोध का प्रतिरोध याद कीजिए, कितना आया हमारा, आर वन का आया 20, आर टू का आया 5, ठीक है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना एंड वीडियो को शेयर करना।